हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन। आज लेके आया हूं आपके लिए हमारा नया सैंपल किट फॉर द ईयर 2022। इस नए सैंपल किट के अंदर काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी सारे पुराने प्रोडक्ट्स को हमने आउट ऑफ डेट कर दिया है, क्योंकि बदलते ज़माने, बदलते वक्त और कोरोना और लॉकडाउन के बाद हमने काफ़ी कुछ नया सीखा है, समझा है और जाना है कि हर प्रोडक्ट हर स्थिति में नहीं चलता। इसीलिए हमने हमारे पुराने सैम्पल किट को थोड़ा मॉडिफाई किया, उससे कुछ आइटम्स निकाले और कुछ नए आइटम्स डाले। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। ये है मेटल हुक्स, जॉइंट्स या फिर मेटल अटैचमेंट्स या फिर मेटल फिटिंग। हर एक सैम्पल किट इस तरह के पैकेट्स में आएगा और हर पैकेट के ऊपर इस तरह से लेबल होगा। इस पैकेट के अंदर है हमारे मेटल अटैचमेंट्स, जैसे कि इसे कहते हैं लीवर हुक, जो कि आईडी कार्ड टैग्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर आप खुद आईडी कार्ड की डोरी वगैरह बनाते हैं तो ये आइटम आपके बहुत काम आएगा। इसे कहते हैं ट्विस्टेड हुक, इसे कहते हैं मेटल जॉइंट। और मेटल जॉइंट कई तरह के होते हैं, एक होता है स्पेशल, एक होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के अंदर जंग लग जाता है कुछ वक्त के बाद, जबकि स्पेशल वाले के अंदर नहीं लगता, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है और हार्ड होता है। इसे कहते हैं फिश हुक। फिश हुक भी आईडी कार्ड टैग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये दो साइजेस में आता है। इसे कहते हैं ट्विस्टेड हुक। ट्विस्टेड हुक भी तीन साइज में आता है, 12, 16 और 20 mm। 12, 16, 20 क्या है? 12, 16, 20 जो है आईडी कार्ड टैग की साइज होती है। टैग कितनी मोटी और कितनी पतली उसके ऊपर कहा जाता है 12 mm, 16 mm, 20 mm। अगला आइटम है, बहुत ही कॉमन आइटम है, आईडी कार्ड होल्डर। ये है होल्डर, ट्रांसपेरेंट होल्डर। ये है अगेन एक और ट्रांसपेरेंट होल्डर, जो कि सिर्फ आड़े पोजीशन में डालता है या फिर हॉरिजॉन्टल। यह है होल्डर नंबर 30, जो कि दो कार्ड होल्ड कर सकता है, आगे और पीछे की तरफ। यह है एप्पल होल्डर, जिसके अंदर 48x72 साइज की स्टिकर डाई लगती है। यह है होल्डर नंबर 86, जिसके ऊपर आगे और पीछे 48x72 की स्टिकर डाई लगती है। यह है पेस्टिंग होल्डर्स, एक इसे कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं इनर और आउटर, और ऊपर वाला है नॉर्मल सिंगल साइड पेस्टिंग। उसी तरह से एक और वर्टिकल पेस्टिंग होल्डर्स हैं हमारे, यह काफ़ी सारे अलग अलग स्कूल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर एक और आता है हमारे, ऐसे होल्डर्स की आपको वैरायटी काफ़ी मिल जाएगी हमारे सैंपल किट के अंदर, और एक एक के बारे में तो मैं शायद आपको बोल नहीं पाऊंगा, बट जब आप देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि वो डिज़ाइन किस तरह से काम करता है, किस तरह से दिखता है, कौन से कस्टमर को क्या पसंद आएगा। वो आपको खुद एक जजमेंट लेना होगा और कस्टमर को उसकी चॉइस के हिसाब से आपको रेट देनी होगी। रेट आपको हमारे प्राइस लिस्ट के अंदर मिल जाएगी, या फिर अगर आपको प्राइस लिस्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए फोटोज़, और हम उसे रेट भी आपको बता देंगे। हर होल्डर की एक खास यूनिकनेस होती है, एक डिज़ाइन होता है, एक पैटर्न होता है, और उसी को आपको समझ के काम करना होता है। हर होल्डर की अलग अलग डाई नहीं होती, पूरी जनरली दो या तीन डाइज होती हैं जो सभी होल्डर्स को फिट हो जाती है। उसी तरह से जिस तरह होल्डर में वैरायटी है, उसी तरह टैग्स में वैरायटी है, और टैग्स में वैरायटी होती है कलर्स की, पैटर्न्स की, डिज़ाइंस की। टैग में ज़्यादातर स्लीव टैग होती है, फ्लैट टैग होती है, शाइन टैग होती है, और इन्हीं के रेट्स और वेरिएशन के कारण पूरी स्कूल्स और कंपनीज में उनका बंटवारा होता है कि कौन सी क्वालिटी के टैग कौन लेगा। स्कूल्स में ज़्यादातर सस्ती क्वालिटी की टैग लगती है और महंगी क्वालिटी की टैग लगती है कंपनीज में। अगर सैटन, शाइनिंग, फ्लैट और अच्छी दिखने वाली टैग्स हमेशा महंगी होती है, और इसीलिए वो कंपनीज में ज़्यादा सेल होती है। इसे कहते हैं मल्टी कलर टैग। ये जो मल्टी कलर टैग है, ये काफ़ी कॉमन हो रहा है धीरे धीरे स्कूल्स में, और कंपनीज में तो खैर हमेशा से ही कॉमन था। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये है डायरेक्ट फिटिंग। डायरेक्ट फिटिंग का जो ये आइटम है, ये ज़्यादातर लो लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहाँ पे चलता है और स्कूल्स पे चलता है। स्कूल्स में इसीलिए क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। और इससे पहले हमने होल्डर और टैग अलग अलग देखे थे, अब हम होल्डर और टैग दोनों साथ में जुड़े हुए रेडीमेड देख रहे हैं। तो ये है इनर आउटर होल्डर, यह है सिंगल साइड पेस्टिंग होल्डर जो कि डोरी से अटैच्ड है, यह है इनर आउटर वर्टिकल होल्डर जिसके ऊपर पेस्टिंग की एक अंदर प्लेट लगती है, और इसी तरह से ये सारे जो होल्डर्स हैं, 7, 5 या 6 वैरायटी के, सभी डोरी से पहले से ही अटैच्ड होते हैं, और यह सस्ता पड़ता है स्कूल्स के लिए क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा किफ़ायती होता है। अगला प्रोडक्ट है हमारा किचन्स। अगर आप आईडी कार्ड बेच रहे हो तो किचन बेचना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। किचन्स में हमारे पास तीन साइज़ है, एक है 35 mm राउंड, दूसरा है 27x40.5 स्क्वायर, और एक और रेक्टेंगल है सिंगल साइड किचन 25x55। उसी के साथ एक प्रोडक्ट आ जाता है बैडज। जिस स्कूल को आप
बैडजेस आईडी कार्ड प्रोवाइड कर रहे हो उसी को आप बैडजेस प्रोवाइड कर दीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। यह है राउंड बैडज, यह है रेक्टेंगल बैडज जिसका साइज है 22x71, और इसका जो ये अगला बड़ा प्लास्टिक वाला बैडज है जिसका साइज है 29x84। ये हो गया स्कूल्स के लिए सस्ते बैडजेस, ये हो गया थोड़ा सा महंगा बैडज किसी क्लास कैप्टन या फिर कोई बड़ी कंपनी के लिए। ये एक्रेलिक बैडज होता है, रेडीमेड है, थोड़ा सा महंगा होता है, और इसके अंदर आपको बस पेपर प्रिंट करना है और अंदर स्लाइड कर देना है, कोई लैमिनेशन नहीं करना, कोई स्टिकर नहीं चिपकाना, कोई कुछ नहीं करना। अब मूव ऑन करते हैं हमारे थर्मल पीवीसी कार्ड के सेक्शन में। ये तो थर्मल पीवीसी कार्ड का सेक्शन है, ये एक तरह से मनी मिंटिंग सेक्शन भी बन सकता है या फिर मनी लूजिंग सेक्शन भी बन सकता है, आपके ऊपर है आप इसे कैसे यूज करते हो। ये एप्सन ऑर्डिनरी कार्ड जो कि एप्सन 805 में प्रिंट होगा, ये है थर्मल कार्ड जो कि इवोलिस जीब्रा और डेटा कार्ड में प्रिंट होगा, ये है एक्सेस कार्ड जिसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं होगा बस स्टिकर लगेगा, और ये अटेंडेंस प्रॉक्सिमिटी के ऊपर काम करेगा। यह है एप्सन चिप कार्ड जो कि अगेन L805 पे काम करेगा, L800 पे काम करेगा, 850 पे काम करेगा। यह है थर्मल चिप कार्ड, और थर्मल चिप कार्ड काम करता है इवोलिस डेटा कार्ड एंड जीब्रा के मॉडल्स में। जिस तरह से थर्मल चिप कार्ड होता है उसी तरह से एप्सन का चिप कार्ड होता है, और एप्सन का चिप कार्ड एप्सन पे काम करेगा, थर्मल का चिप कार्ड थर्मल पे काम करेगा। और है ये थिन एक्सेस कार्ड जो कि अगेन एक थर्मल प्रिंटर पे काम करता है, और यह है थर्मल कार्ड स्पेशल जो कि एक इंडिविजुअल पैकिंग पन्नी के अंदर आता है, बाकी किसी भी तरह का प्लेन कार्ड जो होता है इस तरह से पन्नी में नहीं आता, बट थर्मल चिप कार्ड बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह से पन्नी में मिलेगा जिससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और स्क्रैचेस कम होते हैं। अगला हमारा प्रोडक्ट है बैडजेस। जो ये बैडजेस है ये भी एक मनी मिंटिंग प्रोडक्ट है, और इससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि इसको आपको एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल से आप आईडी कार्ड तो ऑर्डर ले चुके हैं, अब अगला काम होता है सर बैडजेस भी मेरे से ले लीजिए। तो बैडजेस के अंदर हमारे पास होते हैं 58mm राउंड बैडज, ये मतलब आप ऐसा समझो कि बैडजेस में थोड़ा अगर हाई क्वालिटी का बनाना है तो स्टिकर की जगह बटन बैज बनाइए, ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, ज़्यादा मार्जिन भी मिलेगा, और कस्टमर का ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो इस जो बटन बैज का रॉ मटेरियल होता है हमारे पास, हम लोग आपको रॉ मटेरियल दे देंगे, रॉ मटेरियल इस तरह के पूरी सेट में आता है, एक प्लास्टिक होता है उसकी मेटल प्लेट भी आती है, और ये जो पन्नी होती है एक प्लास्टिक की वो इसके ऊपर चढ़ जाती है, और एंड में आपका बैज इस तरह से बन जाएगा। तो बटन बैज एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और बटन बैज के साथ अगर आप मैग्नेट्स भी सप्लाई करें तो वो और भी बेटर है, क्योंकि इससे आपका मार्जिन इम्प्रूव होता है। किसी भी आइटम के पीछे, किसी भी प्लेट के पीछे आप मैग्नेट लगा दीजिए, मैग्नेट के पीछे इस तरह से स्टिकर होगा, या आप बस स्टिकर निकाल दीजिए मैग्नेट के पीछे लगा दीजिए, और ये बन गया मैग्नेटिक बैज। और मैग्नेटिक बैज इजीली अराउंड मार्केट में 100 रुपीज़ में सेल होता ही है, आपकी कॉस्टिंग 30-40 रुपये से ऊपर आती नहीं है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बस आपको कस्टमर को कन्विंस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, और कस्टमर को समझना पड़ेगा कि इस चीज़ की क्वालिटी क्या है। तो इसके बारे में तो एक अलग ही वीडियो बन सकता है, बट अभी के लिए बात करते हैं इस तरह के स्पेशल पाउचेस के बारे में। इस तरह के जो पाउचेस हैं काफ़ी कॉमन है एयरपोर्ट्स में, काफ़ी कॉमन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। प्लास्टिक पाउचेस ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में लगते हैं, और जितने भी ये लेदर पाउचेस ब्राउन वाले हैं ये सारे जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स या फिर अथॉरिटीज़ को ज़्यादातर लगता है ही। अगला वैसा ही एक कॉमन प्रोडक्ट है आईडी कार्ड यो। आईडी कार्ड टैग बेच के अगर आप 5 रुपये या 7 रुपये कमा रहे हैं, तो आईडी कार्ड यो बेच के आप आराम से 20-30 रुपये रिटेल में कमा सकते हैं, और होलसेल में कम से कम 7-8 से 10 रुपये तक पर पीस कमा सकते हैं। आईडी कार्ड यो के अंदर भी दो वैरायटी होती है, एक होता है राउंड, एक होता है स्पेशल, एक होता है ऑर्डिनरी और ओवल। जिसके अंदर इस तरह का वाइट धागा हो उसे स्पेशल कहते हैं, और जिसके अंदर काले रंग का धागा हो उसे ऑर्डिनरी कहते हैं। पूरा जो डिफरेंस है वो धागे का ही डिफरेंस है। धागा अगर सफ़ेद है तो उसे नायलॉन धागा कहते हैं, और धागा अगर काला हो तो उसे ऑर्डिनरी धागा कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी टूटता है और जल्दी ख़राब होता है। तो वो थे ओवल योयोस, उसी तरह राउंड योयोस भी है। राउंड योयोस के अंदर भी दो वराइटीज़ है, एक नायलॉन धागा और एक काला धागा। नायलॉन धागा यानी स्पेशल, ऑर्डिनरी यानी लो क्वालिटी। तो इस तरह से आपके योयोज हो गए, या फिर रिट्रैक्टर्स जिसे कहते हैं, और ये आईडी कार्ड होल्डर के साथ बिकते हैं। ये आईडी कार्ड टैग को रिप्लेस करने के लिए दिए जाते हैं। ज़्यादातर जेंट्स आईडी कार्ड रिट्रैक्टर्स पसंद करते हैं, और
डिटेक्टर्स के साथ कई बार आपको एग्जीबिशन पाउचेस की भी जरूरत पड़ेगी या फिर इवेंट पाउचेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि जिप पाउच के रूप में आप कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो ओरिएंटेशन में अवेलेबल है और सभी पाउचेस के ऊपर एक तरह की जिप लगी होती है। जिप को कुछ इस तरह से आपको खोलना पड़ेगा और अपना कार्ड 300 जीएसएम में प्रिंट करने के बाद यहाँ से अंदर डाल दें, बंद कर दें और पार्टी को बोले ये लीजिए सर, आपका वाटर प्रूफ आईडी कार्ड रेडी है, जो कि ज़्यादातर एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, कोई मीटिंग्स या गवर्नमेंट की हाई लेवल की कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें यूज होता है। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो ओरिएंटेशन में अवेलेबल है और हॉरिजॉन्टल के अंदर भी आपको कुछ साइजेस मिल जाते हैं। वर्टिकल के अंदर आपको 3 साइज मिल जाएंगे, छोटा, बड़ा और मीडियम। और साइजेस देने का फंक्शन ये होता है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज या गेस्ट या चीफ ऑनर को डिफ्रेंशिएट कर सके, कस्टमर का ये फायदा होता है। उसी तरह होता है कार्ड केस। कार्ड केस और जिप पाउच में फर्क यह है कि कार्ड केस जो होता है कड़क होता है बट ऊपर से ओपन होता है, और ये भी कॉर्पोरेट फंक्शंस और इवेंट्स में यूज किया जाता है। दोनों की लुक अलग होती है, कस्टमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि उसे क्या चाहिए, वरना दोनों ही एक बराबर ही है, कोई क्वालिटी में कोई कम ज्यादा नहीं है। बट हाँ, कार्ड केस थोड़ा सस्ता होता है जिप पाउच से, और कार्ड केस के अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऑप्शन है, और हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको 3 साइज मिल जाते हैं जबकि वर्टिकल के अंदर आपको 4 साइज मिलते हैं। वर्टिकल में आप कभी भी देखेंगे आईडी कार्ड होल्डर्स में, जिप पाउच में, हमेशा वर्टिकल की ही वैरायटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिज़ाइन और पहनना वर्टिकल को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर कोई कस्टमर हो जो बजट में कंजर हो गया है और उसको बस सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो उसे आप ये रेडीमेड पाउच दे दीजिए। ये रेडीमेड पाउच लेने पे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की सहूलियत मिल जाएगी, डिज़ाइन जैसा कार्ड करना चाहें वैसे कर दीजिए, और उसके बाद में इस तरह से छोटा या बड़ा साइज कस्टमर की सहूलियत के हिसाब से 300 जीएसएम के बोर्ड पेपर पर प्रिंट करके अंदर कार्ड डाल के पार्टी को दे दीजिए। और अगर इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं, होपफुली अगले साल जो होंगे, होली, दिवाली या किसी भी नवरात्रि के फेस्टिवल में, आप इस तरह का बैंड कस्टमर्स को दीजिए जो कि एंट्री टिकट के जैसा यूज होगा। हर फंक्शन, हर कॉन्फ्रेंस में आईडी कार्ड नहीं बिकते, बट बैंड्स या टिकट्स तो सेल होती हैं, तो उसी को, उस मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं या फिर एक जेरॉक्स शॉप चला रहे हैं या गिफ्टिंग की शॉप चला रहे हो या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे हो, आपको हमेशा कस्टमर अपनी डिमांड्स के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, और अगर आपके पास ये सारा नॉलेज है तो आप उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ बोल सकते हैं या फिर हमसे लेके आगे सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमारा मेन मकसद था यह सैम्पल किट बनाने का। ये है गमिंग मीडिया। गमिंग मीडिया जो है काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है। यहाँ है हमारी गोल्ड एंड सिल्वर गमिंग मीडिया, और ये दूसरी है हमारी A4 साइज कट A4 कोल्ड लैमिनेशन। जो गोल्ड और सिल्वर गमिंग मीडिया होती है, इसकी एक तरफ में सिल्वर गमिंग होती है, दूसरी तरफ में गोल्डन गमिंग होती है, और ये यूज़ किया जाता है ट्रॉफीज़ बनाने में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रॉफी कैसे यूज़ बनाया जाता है, तो ट्रॉफी का जो अलग से वीडियो हमने बनाया है जिसके अंदर कटिंग और पेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसका वीडियो आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। यह है कोल्ड लैमिनेशन। कोल्ड लैमिनेशन का इस्तेमाल यूज़ होगा हमारे इंकजेट मीडिया के साथ, और ये है कोल्ड लैमिनेशन का डेमो। ये कुछ अंदर से इस तरह से दिखती है और ये किसी भी पेपर के ऊपर चिपक जाएगी और उसे एक इंस्टेंट लैमिनेशन दे देगी ताकि उसकी कलर की कोटिंग की प्रोटेक्शन हो जाए। बट ये सारे चीज़ों को बताना इस एक वीडियो के अंदर इम्पॉसिबल है, मुझे कम से कम 5 घंटे लगेंगे। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये लेटेस्ट एडिशन है हमारे 2022 सैम्पल किट के अंदर, और पूरा जो हमारा बिजनेस था पिछले डेढ़ साल का, वो इन्हीं प्रोडक्ट, इसी एक अकेले प्रोडक्ट के ऊपर टिका हुआ था, और अब मुझे मौका मिल रहा है आपको इसको सैम्पल किट में देने का। यह हमारा 4x6 का AP फिल्म। ये जो AP फिल्म है, इससे आप आईडी कार्ड बना सकते हो। ये ड्रैगन शीट का रिप्लेसमेंट है, फ्यूजिंग शीट का रिप्लेसमेंट है, इन वेरी लो इन्वेस्टमेंट। और ये है हमारा अगला ट्रांसपेरेंट A4 साइज पेपर। ट्रांसपेरेंट A4 साइज ये जो पेपर है, इससे आप बुक कवर्स, ट्रॉफीज, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, डेकोरेशन, आर्टवर्क, वॉल हैंगिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इवन कैलेंडर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो यूजिंग एन ऑर्डिनरी इंकजेट प्रिंटर। ये है A4 पेपर
फॉर 170 जीएसएम स्टिकर। ये एक मोटा जाड़ा 170 जीएसएम का स्टिकर है। इसकी गमिंग भी काफ़ी अच्छी सॉलिड है और आगे की तरफ ये एक ग्लॉजी लुक दे सकता है। इससे आप रेडीमेड स्टिकी पासपोर्ट फोटोज, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड अदर रेगुलर स्टिकर फॉर प्लेस एंड गेम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो था मोटा स्टिकर 170 जीएसएम का, ये है पतला स्टिकर 130 जीएसएम का। सो पतले और मोटे का फ़र्क ये है कि पतले स्टिकर जो है आप किसी भी कर्व्ड सरफेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी को लो कॉस्ट स्टिकर चाहिए होती है, डिमांड होती है, तो आप उसे ये बना के दे सकते हैं। कस्टम स्टिकर, कस्टम प्रोडक्ट है ये, तो इसमें कमाई भी ज़्यादा होती है और ये इंकजेट प्रिंटर में चलता है तो आपका खर्चा भी कम है। यह है A4 साइज़ की एपिक फिल्म। इससे पहले हमने 4x6 की देखी थी, ये A4 साइज़ की है। ये भी अगेन आईडी कार्ड के लिए यूज़ होती है। यह है A4 ट्रांसपेरेंट स्टिकर, ये भी एक नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर में चलता है एंड ये सिंगल साइड प्रिंट होता है एक इंकजेट प्रिंटर में। प्रिंट करने के बाद आप इसे कटिंग कीजिए, छंटाई कीजिए और इसे चिपकाइए किसी भी लैपटॉप के ऊपर या कोई दूसरी ब्रांडिंग के ऊपर या फिर कोई अपने ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए, बहुत ही शानदार और अच्छा रिजल्ट देगा। इस सारे प्रोडक्ट्स के अलग से डिटेल वीडियो हमने बना रखे हैं। ये है A4 पाउडर शीट जो कि डबल साइड प्रिंटेबल है एक नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर में, जिससे आप बना सकते हैं सर्टिफिकेट्स एंड विजिटिंग कार्ड्स इन अ नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर। आपको एक लेजर प्रिंटर की जरूरत नहीं है, इसका भी एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं। ये है AP स्टिकर, ये है सिंगल साइड गमिंग विथ हाई ग्लॉजी सिंथेटिक वाटरप्रूफ नॉन टेरेबल AP स्टिकर। इसका काम आज आ सकता है आईडी कार्ड्स बनाने के लिए, बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बैडजेस बनाने के लिए, या फिर किसी भी तरह का प्रोडक्ट लेबलिंग करने के लिए। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड इससे पहले कि मैं कुछ भूलूँ, हमारा ये प्रोडक्ट भी आप देख लीजिए जिसका नाम है क्रिस्टल आईडी कार्ड होल्डर्स। ये कुछ नए मॉडल्स हैं जो कि आजकल कंपनीज में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड इसके बाद मैं अब आपको दिखा देता हूँ मेरा शोरूम। शोरूम के अंदर आपको हर एक तरह की मशीन, मटेरियल का डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। आप कभी भी हमें विजिट कर सकते हैं, हैदराबाद में हम लोकेटेड हैं पैराडाइज के पास, और हर एक प्रोडक्ट का हमने डिटेल वीडियो बनाया है। और ये है हमारा नया प्रोडक्ट LED पेपर जो कि काफ़ी यूज़ होता है फोटो स्टूडियो इंडस्ट्री के अंदर। एंड इसी के साथ हमने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इस साल, पाउडर शीट, ट्रांसपेरेंट स्टिकर, AP फिल्म, AP स्टिकर, इंकजेट पेपर, LED पेपर ऑफ कोर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने मोबाइल हीट स्टिकर या फिर जिसे कहते हैं स्मार्ट स्टिकर, ये भी सक्सेसफुली पूरा रेडी कर लिया है, तैयार कर लिया है और जब भी आप चाहें हमसे ये ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो कुछ हड़बड़ी में बन गया है तो उसे थोड़ा माफ़ करें, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम चाहते हैं कि आप आएँ हमारे शोरूम में, विजिट करें, देखें सारी मशीन्स, लैमिनेशन मशीन, बारकोडिंग मशीन, सब्लिमेशन मशीन, सब्लिमेशन हीट प्रेस, आईडी कार्ड लैनियार्ड हीट प्रेस मशीन्स एंड गोल्ड फॉयल रोल्स, कॉर्नर कटर्स, क्रीजिंग मशीन, हाफ कटिंग मशीन, A3 रिम कटर्स, आईडी कार्ड मशीन्स, टैग्स, होल्डर्स, लैनियार्ड्स, फिटिंग्स, जॉइंट्स, फिश हुक, लिवर हुक, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एंड ये सारे बताना एक छोटे से वीडियो के अंदर शायद पॉसिबल ना हो मेरे लिए, बट आपको किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए हो या फिर आपको समझना हो कि कौन सा साइड बिजनेस आपके लिए ज़रूरी या फिट होता हो, तो आप ज़रूर विजिट करें हमारे शोरूम में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।